यार एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज, फिर आता है प्राइवेट कॉलेज, और फिर आता है एमिटी यूनिवर्सिटी। अब आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करोगे कि एमिटी यूनिवर्सिटी भी तो भाई मेरे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है और मैं आपके साथ पूरी तरह से एग्री भी करता हूँ, पर यार एमिटी यूनिवर्सिटी सच बताऊँ ना तो थोड़ा अलग है, वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। अब इसको आप पॉजिटिव सेंस में लो या नेगेटिव सेंस में लो ये मेरे को नहीं पता, पर यार एमिटी थोड़ा सा फ़र्क है यार उसमें। मतलब एक मतलब उसको यार आप जैसे इंडिया की बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो नो डाउट उनके जैसा है थोड़ा बहुत, पर आप उनको पूरा जनरलाइज ही कर दो सब कुछ, ये सही नहीं है। क्योंकि एमिटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डिफरेंट बनाती है बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से, चाहे वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। एमिटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से डिफरेंट बनाती है। अब वो जो मैं कुछ ऐसी चीज़ें कह रहा हूँ, कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें भी हैं और कुछ ऐसी नेगेटिव बातें भी हैं। देखो कोई भी कॉलेज परफेक्ट नहीं होता, और मैं देखता हूँ कि एमिटी के ऊपर काफ़ी मीम्स बनते हैं कि यहाँ पे ऐसे बच्चे जाते हैं वैसे बच्चे जाते हैं, पर जहाँ तक मैंने देखा है एमिटी जो है कहीं ना कहीं उनका जो क्राउड आता है ना, नो डाउट थोड़ा अमीरों का क्राउड होता है, पर एट द सेम टाइम वहाँ पे कुछ तो ऐसा है ना यार जो कॉलेज अभी तक चल रहा है। और मेरे को ऐसे लगता है यार कि वहाँ पे ना मतलब जो कल्चर होता है, मतलब जो पूरा का पूरा ऑरा मिलता है आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आई थिंक आपको शायद ही किसी और यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ये बात सच है कि कुछ हद तक वहाँ पे ड्रग्स चलते हैं, ठीक है, हालांकि पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि देखा जाए ड्रग्स आपको हर कॉलेज में मिल जाएंगे। मुश्किल से कोई कॉलेज होगा इंडिया में जहाँ पे बच्चे सिगरेट या दारू या फिर अगर बात करें ड्रग्स की तो वो ना करते हो, वो हर कॉलेज में होता है, मगर एमिटी में थोड़ा सा ज़्यादा है, ये बात भी सच है। पर आप पूरे कॉलेज को सिर्फ इस बेसिस पे बदनाम नहीं कर सकते कि यहाँ पे ड्रग्स का कल्चर है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेविलेंट जरूर है यहाँ पे, पर उतना ज़्यादा भी नहीं है कि हर बंदा यहाँ पे एडमिशन लेके 4 साल बाद नशेड़ी बन के ही निकल रहा है, इतना बुरा हाल भी नहीं है। प्लस अगर मैं बात करूँ यार टीचिंग की, अब यार इंडिया में ना क्या सीन है हम सबको पता है, आप चाहे IIT दिल्ली से पढ़ रहे हो, आप चाहे चितकारा यूनिवर्सिटी MIT से पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि IIT की एजुकेशन बहुत अच्छी है, नो डाउट IIT के जो प्रोफेसर है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है और वो पढ़ाते भी हैं, पर यार जो IIT के स्टूडेंट्स होते हैं वो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको जो वहाँ के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं ना उनको लगता है ये तो हमें पहले से आता है। हालांकि वही सेम चीज़ अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट को दिखा दो जो IIT का प्रोफेसर पढ़ा रहा है, तो उसको उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, वो सीन अलग हो जाता है। पर एक IIT के स्टूडेंट को अगर आप IIT का प्रोफेसर का लेक्चर दिखा दो, उसको लगता होगा ये चीज़ तो हमें पहले से आती है। पर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लेक्चर में बिठा दो, तो उसको लगता होगा ये चीज़ तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ। तो यार अगर मैं इन जनरल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो भी आप जिस भी कॉलेज में जाओगे ना, जो भी आपका रैंक आएगा, जिस रैंक से आपको जो कॉलेज मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, चाहे IIT चले जाओ, MIT चले जाओ, चितकारा चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चले जाओ, अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हो तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप जो है वहाँ के टीचिंग क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं हो, और ऐसा होता ही है, अक्सर सबके साथ होता है। कॉलेज में यार वैसे भी ज़्यादा आपको प्रोफेसर्स और टीचर्स पे रिलाई जो है वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार जो हम यार वो सारी चीज़ें ना YouTube पे ऑलरेडी अवेलेबल होती है लेक्चर्स की फॉर्म में, और आपको लगता है तो मैं YouTube से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता हूँ, राइट। पर एनीवेज गाइस कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यार अगर मैं बोलूँ कि मैं MIT यूनिवर्सिटी को एक्सपोज कर रहा हूँ, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं तो एक्सपोज कर रहा हूँ MIT यूनिवर्सिटी को, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं सिर्फ उसके बुरे पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आप किसी कॉलेज के सिर्फ बुरे पॉइंट्स बता दो जस्ट बिकॉज वो प्राइवेट है, और किसी गवर्नमेंट कॉलेज के सिर्फ अच्छे पॉइंट्स बता दो जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये काफ़ी यार बायस्ड है, और ऐसा आई डोंट थिंक कि ये कॉलेज रिव्यू की वीडियो में हमें ऐसा करना भी चाहिए। तो यार बेसिकली जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं MIT यूनिवर्सिटी को इस में एक्सपोज करूँगा इस वीडियो में, तो मैं उसके प्लस पॉइंट भी आपके सामने रखूँगा और उसके मैं आपके सामने नेगेटिव पॉइंट भी रखूँगा, और ये चॉइस आपकी होगी आपको वहाँ पे एडमिशन लेनी है ना या नहीं लेनी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ एक बात सुन लेना यार प्लीज़, इस वीडियो पे मेरे को टारगेट रखा है मैंने 100 लाइक्स का, 100, मेरे को 100 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे किसी भी कीमत पे, ये टारगेट है, 100 लाइक्स का टारगेट है, इसको ज़रूर कंप्लीट कर देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं।
तो यार सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, एमईटी में जो क्राउड आता है, जिस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, वो किस टाइप के आते हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो यार एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि एमईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही रिच बैकग्राउंड के हैं, हद से ज़्यादा उनके पास दुनिया भर का पैसा है, और मतलब मर्सिडीज ऑडी उनके लिए ऑटो रिक्शा बराबर है, वो मतलब ऐसे ही खरीद लेते हैं, मतलब उनके लिए वो एक्टिवा बराबर है कि उनके लिए मर्सिडीज खरीदना इज लाइक मैं एक्टिवा खरीद रहा हूँ। ये फालतू के मिसकॉन्सेप्शंस बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है यार। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप किसी रैंडम कॉलेज उठा लो, अगर उस रैंडम कॉलेज के 100 स्टूडेंट उठा लो, कोई भी रैंडम, अब हो सकता है कि 100 में से 5 जाने ऐसे निकल आए जिनके पास मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी हो, ठीक है, ऐसे 5 करोड़पति लोग निकल सकते हैं। द थिंग इज कि एमिटी में वो 100 में से 5 की जगह 15 या 20 हो सकते हैं, ऐसे सो कॉल्ड अमीर लोग, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि 100 में से 100, 100 में से 80, 100 में से 90 लोग, 90 लोग बिल्कुल ही अमीर है, मतलब मर्सिडीज ऑडी उनके पास पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कोई आके ये कहता है या यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाता है और ये क्लेम करता है कि एमिटी में तो सिर्फ अमीर लोग होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रैदर जो 70-80% क्राउड होता है ना जो एमिटी जाता है, वो मिडिल क्लास होता है, और मिडिल क्लास मतलब अपर मिडिल क्लास, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही अमीर लोग जा रहे हैं, बिल्कुल रिच क्लास जा रही है, इलीट क्लास जा रही है, मर्सिडीज ऑडी वाली, मतलब जो सो कॉल्ड होंडा सिटी लेवल के हैं, यू नो उस टाइप के लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे मर्सिडीज ऑडी के लोग ही सिर्फ मिलेंगे, आपको हर लेवल का लोग मिलेगा। बस द थिंग इज यार, इंडिया में क्या होता है ना, पेरेंट्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा सेविंग्स करते हैं, एफडी बना के रखते हैं, सबसे ज़्यादा सेविंग्स करते हैं ताकि कल को ना उनके बच्चे को जो एजुकेशन आए उसमें कोई कसर ना रह जाए। इंडियन पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। तो अगर एक मिडिल क्लास आदमी भी ना, इंडिया का जो एक मिडिल क्लास फादर है, वो कोशिश करेगा कि अगर उसकी गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हुई, प्राइवेट में हो रही है, तो प्राइवेट में कम से कम बेस्ट कॉलेज में हो जाए, फिर चाहे उस कॉलेज की फीस कितनी भी क्यों ना हो। तो फिर इसी कारण से ना, सिर्फ इसी कारण से जो है ना नोएडा के आसपास वाला एरिया, यूपी में या फिर दिल्ली के आसपास वाला एरिया, प्राइवेट में ना लोग एमिटी को प्रेफरेंस दे देते हैं, और जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, वो भी इवन तो एमिटी की फीस काफ़ी ज़्यादा है, वो फिर भी एमिटी में बच्चों का एडमिशन दिलवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एमिटी बहुत सस्ता लग रहा होता है या वो बहुत अमीर लोग होते हैं, खानदानी अमीर होते हैं, इट्स जस्ट दैट उनके पास पहले से सेविंग्स होती हैं जो उन्होंने प्लान किया होता है कि मैं अपने बच्चे के एजुकेशन पे ये खर्चा करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 लोग ही करोड़पति होंगे, बस द थिंग इज कि वहाँ पे करोड़पति स्टूडेंट्स जो करोड़पति फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, किसी दूसरे से कंपेयर करो, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ के बच्चों के पास अंधा पैसा है और सिर्फ वहाँ पे पार्टी करने आते हैं, उनको कोई चिंता नहीं कि उनकी प्लेसमेंट होगी भी या नहीं होगी। ये जो फालतू के मिसकॉन्सेप्शन है ना कि ये तो इतने अमीर फैमिली से हैं, इनको प्लेसमेंट्स की कोई चिंता नहीं, इनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, ये बस डिग्री लेने आए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप उस कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको ऐसा भी क्राउड मिलेगा जो कि जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहता है और इंटरेस्टेड है और जॉब लेना चाहते हैं, उनके फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है, उनके फैमिली में सारे वर्किंग क्लास है, सब जॉब करते हैं, ऐसे आपको मेजोरिटी लोग वहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे। ये बस मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि बहुत पैसे वाले लोग एमिटी में आते हैं, मिडिल क्लास लोग भी जाते हैं। तो यार अब क्योंकि प्लेसमेंट्स की बात मैंने छेड़ ही दी है, तो अब मैं बात करूंगा इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स की और क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब यार इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करूँगा, तो इस कॉलेज की प्लेसमेंट की कुछ अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं, मैं आपके सामने दोनों ट्रांसपेरेंट होके रखूँगा, ठीक है। अब शुरुआत गुड न्यूज़ के साथ करते हैं, अच्छी खबर ये है एमिटी की प्लेसमेंट के बारे में कि यार इस कॉलेज में ना सिर्फ ये नहीं फ़र्क, देखो यार एक जनरल बात करता हूँ मैं आपके साथ, आप किसी भी कॉलेज में जाओ, आप किस लिए जाते हो, मेजोरिटी जनता किस लिए जाती है, प्लेसमेंट के लिए जाती है। अब प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुई है वो आपको कितना पैसा, कितना पैकेज दे रही है, इससे भी फर्क पड़ता है कि जिस कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हुई है उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है। तो यार अगर ब्रांड वैल्यू की बात करूँ तो एमिटी में जो कंपनीज आती है उनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी हाई है, काफ़ी जानी मानी कंपनीज है जिनका नाम आपने सुना होगा। तो यार अमेजोन हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, डिओलाइट हो गया, ह्यूंडई हो गया, LG हो गया, कैलॉग्स हो गया, रिलायंस हो गया, हमारी इंडियन कंपनी रिलायंस, राइट, फिर गूगल हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इस कॉलेज में आती रहती हैं और इनकी प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो यार अगर अगर आप खुद सोचो ना, आप इनमें से किसी एक कंपनी में प्लेस हो, अमेजोन,
डियोलाइट, ह्यूंडई, एलजी, गूगल, रिलायंस, तो ये काफ़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है। ये बात इस मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनमें किसी किसी की प्लेसमेंट होती है, सबकी नहीं होती, बाकियों को छोटी कंपनीज में जाना पड़ता है, ठीक है। मगर यार एटलीस्ट कंपनीज ऐसी कॉलेज में आ तो रही है ना यार, कुछ हद तक तो जो स्टूडेंट आ रहा है उसकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ना, वो ऐसी कंपनीज फोड़ पाएगा या नहीं, राइट। तो एटलीस्ट आपको बड़ी कंपनीज में आने का अपॉर्चुनिटी तो पूरी तरह से मिलता है, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज यार 30 लाख पर एनम, ठीक है, पर यहाँ पे जो अच्छी बात है, पर यार यहाँ पे एक बैड इफेक्ट भी है। जो नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बात करूँ वो है आरओआई का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका जो एवरेज पैकेज लगता है ना यार, वो 4 से 4.5 लाख का लगता है यार। अब लाखों की फीस ले रहे हो, ठीक है, थोड़ा एवरेज पैकेज अगर अच्छा रहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत हाई एवरेज कह रहा हूँ कि 10 लाख दो, 15 लाख दो, ठीक है, एटलीस्ट यार 6 लाख, 7 लाख, इतना अगर एवरेज पैकेज एक कॉलेज निकाल पा रहा है, स्पेशली वो कॉलेज जो इतनी ज़्यादा फीस ले रहा है, तो फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगता भाई कि चलो 6-7 लाख या 8 लाख, चलो 8 लाख भी छोड़ो यार, 6-7 लाख की बात करता हूँ मैं, अगर 6-7 लाख का एवरेज पैकेज भी निकल रहा होता ना, तो भाई थोड़ा अच्छा लगता, ठीक लगता कि चलो महीने के 50 हज़ार वाला तो बन रहा है ना सीन। और वैसे भी महीने के 50 हज़ार वो पूरी थोड़ी ना मिल रहे हैं 6 लाख एवरेज पैकेज में भी, वो भी यार आप लगा के चलो कि लगा लो यार आपकी उसमें आपके पता नहीं कितना खर्चा होगा, उसमें आपको रेंट देना होगा अगर आप बैंगलोर जाओगे कहीं पे नौकरी करने, जो बड़े खर्चे हैं उसके, ठीक है। तो यार वो एंड में मिला मिला के 4 लाख की तो सेविंग्स या 3.5 की सेविंग्स होगी अगर 6 लाख का पैकेज लगता है बंदे का, और 4-4.5 में तो यार बंदे की सेविंग्स ही क्या होंगी, सारा खर्चा उसका रेंट में, बिजली में, पानी में, लॉन्ड्री के खर्चों में निकल जाएगा, बंदे की सारी सैलरी सिर्फ सर्वाइवल में जा रही है, बंदा थोड़ा सा भी इंजॉय नहीं कर पाएगा लाइफ को कि मैं रेस्टोरेंट हुआ हूँ, थोड़े महंगे रेस्टोरेंट में हुआ हूँ। अब यार ऐसे बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो 4-4.5 का एवरेज पैकेज दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस बीटेक में, ठीक है, या पर यार उनको ना आप ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि वो फीस भी कम लेते हैं। जब आप किसी कॉलेज पर जाते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि आप जो एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो आप वापस कितना निकाल पा रहे हो। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे यार कि एमिटी जो है वो यार वो भी तो प्राइवेट कॉलेज है बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की तरह, तो आप उसको क्यों इतना कोस रहे हो कि यार आपका एवरेज पैकेज इतना कम है जबकि बाकियों का भी इतना होता है, और एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स जहाँ पे जैसे जाएंगे पैकेज भी उनके वहाँ के वैसे लगेंगे। ये सारी बातें ठीक है, पर बाकी कॉलेजेस इतनी फीस भी नहीं चार्ज करते, जब आप फीस ज़्यादा चार्ज करते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रखी जाती है। और यार ऐसा बात नहीं है कि आज ये 4-4.5 है तो हमेशा 4-4.5 इनका एवरेज रहेगा, हो सकता है 4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कभी ना कभी इम्प्रूव कर जाए, पर द थिंग इज तब तक इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ चुकी होगी और परचेसिंग पावर भी बढ़ चुकी होगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी होगी, महंगाई भी बढ़ चुकी होगी। तो अगर 8 से 4 या 5 साल बाद इनका एवरेज पैकेज 6 लाख पे भी जाता है ना यार, सो दैट इज स्टिल इक्वल टू आज का 4-4.5 लाख, क्योंकि तब तक महंगाई भी बढ़ चुकी होगी। हर साल जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 4 से 4 ± 2% ले, यानी कि आप लगा लो 4%, 6% इस टाइप से बढ़ती है हर साल महंगाई। तो अगर आप 5-6 साल तक एवरेज पैकेज 6 लाख भी निकालते हो, सो दैट इज स्टिल इक्वल टू आज की डेट में जो आपका 4 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ महंगाई भी बढ़ती है। तो यार ये मैं कह रहा हूँ कि एवरेज पैकेज थोड़ा अच्छा हो सकता था एटलीस्ट, क्योंकि आप यार ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो तो आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो ज़्यादा अच्छे फैकल्टी को रखना, सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ा टीचिंग में भी अगर फोकस करो तो ये चीज़ जो है इंप्रूव हो सकती है। और यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ, और ये अगर आप क्रिटिसिज्म इसको मानते हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लो कि आपका जो एवरेज पैकेज है वो थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। अच्छी बात है आप इतनी कंपनीज बड़ी बड़ी बुलवाती हो जो शायद बाकी कॉलेजेस नहीं बुलवा पाते, मगर और अच्छी बात है 30 लाख पर एनम का आपका हाईएस्ट पैकेज भी गया है, पर हाईएस्ट पैकेज यार इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है, वो एक या दो बंदे का लगता है, मेजोरिटी जनता है वो इस कैटेगरी में आती है। एवरेज पैकेज ये अगर इम्प्रूव हो गया ना तो ये जो हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है, वो अपने आप ऊपर जाएगा। यार हम होता बताऊँ क्या है, हाईएस्ट पैकेज ज़्यादा हो जाता है तो फिर एवरेज जो है 4-4.5, देखो 30 लाख पर एनम का हाईएस्ट लगा है तब जाके एवरेज जो है वो 4 के करीब आ रहा है। सोचो अगर वो एक या दो बच्चे जिनका 30 लाख पर एनम पे ना लगा होता तो एवरेज कहाँ पे आती, शायद 2 लाख 3 लाख वो गिर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाईएस्ट को कभी ना देखा करो एडमिशन लेते वक्त, एवरेज को देखा करो, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी का वही लगता है और ये एक फैक्ट है, ठीक है, एवरेज देखना बहुत ज़रूरी है। लोग ना चमचमाते हैं हाईएस्ट को देख के पीछे पड़ जाते हैं। बाकी यार इस कॉलेज में इंप्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप है, ठीक है, तो आई होप कि ये कॉलेज इस चीज़ पे फोकस करेगा, ठीक है।
अगर कोई कॉलेज की अथॉरिटी इस वीडियो को देख रही है तो आपसे छोटी सी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने कॉलेज के एवरेज पैकेज को इंक्रीज करने में थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आपका ही फायदा होगा, आपके कॉलेज का नाम और ज़्यादा ऊंचा होगा, राइट। तो अब यार ये तो रही प्लेसमेंट्स की बात, इससे पहले मैंने की थी क्राउड्स की बात, फिर मैंने की आपके साथ प्लेसमेंट्स की बात, ठीक है, और अब मैं आपके साथ करूंगा इंजीनियर्स के फेवरेट अटेंडेंस के बारे में बात। सो यार जस्ट लाइक एनी अदर कॉलेज, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, इससे फर्क नहीं पड़ता। 75% अटेंडेंस का मसला यहाँ पे भी है, ठीक है, जिसमें कुछ बुरा नहीं है, पर अगेन यू नो जो लोग थोड़े ट्रैवल करते हैं, डे स्कॉलर होते हैं, उनके लिए अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कभी वो ना आ पाए किसी कारण से, कभी कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और हॉस्टलर्स का क्या सीन है, उनका तो क्या ही बोलना यार, वो तो क्लास लगाना चाहते भी हो ना अगर, तो भी यार वो लगाते नहीं है, क्योंकि भाई क्यों हमें सोना है, ठीक है, घर में तो चलो माँ बाप थोड़ा डांट के उठा देते हैं कि जाओ कॉलेज जाओ, पर हॉस्टलर तो सोते रहते हैं अपना सुबह के टाइम में। तो यार 75% अटेंडेंस है, ठीक है, जो कि ठीक है, इसके खिलाफ मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ही है, मगर नॉर्मली क्या होता है यहाँ का सिस्टम थोड़ा दूसरा है, ठीक है, काफ़ी इन्होंने ना चीज़ों को डिजिटलाइज किया हुआ है, और यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं होता कि टीचर को थोड़ा सा चमची कर दी, ये बोल दिया कि सर मेरी अटेंडेंस बढ़ा दो, मैम मेरी अटेंडेंस बढ़ा दो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कुछ कॉलेजेस में फेवरेटिज्म होता है कि ये टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है तो चलो अटेंडेंस लगा दी, ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इनका पूरा सब कुछ इन्होंने ना डिजिटलाइज किया हुआ है, और आप पकड़े जाओगे अगर आपने ऐसा किया, और टीचर भी पकड़ा जाएगा, आप भी पकड़े जाओगे, तो कोई स्कोप नहीं है। इसलिए इस कॉलेज में अगर आपको अटेंडेंस है 75% मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको कोई नहीं बचाने आ रहा। अगर आपकी अटेंडेंस है तभी आपको एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा, अगर नहीं है तो आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, इसमें ना आप कुछ कर पाओगे, और अगर कोई टीचर आपका फेवरेट टीचर है और आप उस टीचर के फेवरेट स्टूडेंट हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अटेंडेंस चाहिए तो 75% इज़ अ मस्ट, अदरवाइज भूल जाओ कि आप एग्ज़ाम्स में बैठ पाओगे। तो यार ओहो हो मैं इतना जेलस हूँ ना इस मामले में एमिटी से, यार एमिटी के जो यार फेस्ट होते हैं, इवेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट, टेक्निकल इवेंट, सब कुछ यार नेक्स्ट लेवल के होते हैं। और अगर मैं बात करूँ फ्रेशर्स की, तो यार इनका जो कॉलेज का फ्रेशर्स है ना यार, वो किसी दूसरे कॉलेज के फेस्ट के बराबर लगता है, इनका सब कुछ इतने ग्रैंड लेवल पे होता है, ठीक है, और हो भी क्यों ना यार, बड़े लोगों का कॉलेज है, जब आप इतनी फीस ले रहे हो तो कहीं ना कहीं तो खर्च करने है ना यार, तो ये लोग इवेंट्स, ठीक है, इतने तकड़े तकड़े भाई इवेंट्स इनके बड़े होंगे, कल्चरल भाई, टेक्निकल, कुछ भी ले लो भाई, इतना नेक्स्ट लेवल की इनकी तैयारी होती है, और भाई मज़े पूरे आते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और भाई अगर कहीं पे ये लोग खर्चा करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पे करते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि चलो वन टाइम खर्चा है, दूसरा कॉलेज के फेस्ट। और भाई कॉलेज लाइफ में यार कैंपस लाइफ की अब बात करो तो सबसे ज़्यादा यार जो इंजॉयमेंट करने के जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जब इंसान कहता है भाई कॉलेज में लिटरली इंजॉय करता है, ठीक है, जो दो साल बंदे ने पढ़ाई लिखाई की होती है उसकी जो भड़ास निकालनी होती है, वो कॉलेज के जो 3-4 दिनों का फेस्ट होता है ना जो हर साल आता है भाई, उसमें तकड़ी निकलती है। और फ्रेशर्स तो पूछो ना भाई, इनकी तो फ्रेशर्स भी नेक्स्ट लेवल ही होती है, मतलब यार एट द एंड ऑफ द डे यार पता है क्या, जैसे आप 2 साल सोच के, आप खुद सोचो ना यार, 2 साल आपने मेहनत की है, हो सकता है आपने बहुत पढ़ाई की हो सकता है आपने बहुत कम पढ़ाई की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता भाई, फर्क इससे पड़ता है कि आपने 2 साल एक ऐसा टाइम स्पेंड किया है जिसका आपको एक दिन भी पसंद नहीं था, क्यों, क्योंकि कोचिंग से आपको इतना काम मिलता था, हमेशा आप ओवरलोडेड रहते थे, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते थे या करते भी थे, स्ट्रेस तो आपके दिमाग में हमेशा रहता था कि कब ये 2 साल ख़त्म होंगे, और फाइनली वो 2 साल ख़त्म होते हैं और आप कॉलेज में आते हो और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, उससे तकड़ा इनका इवेंट और पार्टी कल्चर होता है, तो यार इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं भाई फेस्ट के मामले में, ठीक है, ये जो सो कॉल्ड रंग बिरंगी चमकीली चीज़ें हैं ना, इनके मामले में भाई मैं बता रहा हूँ एमएडी से अच्छा कॉलेज मेरे ख्याल से ना पूरे इंडिया में नहीं मिलने वाला तुम्हें, इससे बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा अगर तुम्हें कैंपस लाइफ इंजॉय करनी है। हाँ मैं मानता हूँ अटेंडेंस का थोड़ा चक्कर है, पर भाई जब कैंपस लाइफ और इवेंट्स की बात आती है ना भाई, तो इसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता फिर। तो यार एक बात जो मेरे को इस कॉलेज के बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, एंड आई एम श्योर ये बात सुन के आपको भी इस कॉलेज को लगेगा यार कि क्या अजीब सिस्टम है, ठीक है, तो वो चीज़ है यार अनएक्सपेक्टेड सिलेबस, इसके बारे में बात करते हैं। तो यार अब आप खुद ही देखो,
अगर आप सपोज करो आप इस कॉल, अभी मैं बीटेक की बात नहीं करता, सपोज करो आप लॉ पढ़ रहे हो, आप लॉ के स्टूडेंट हो, तो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट डाल दिया जाएगा जो कि है माइक्रोबायोलॉजी। अब आप मेरे को बताओ, जो बच्चा लॉ की पढ़ाई कर रहा है, जो लॉ का स्टूडेंट है, उसको भला माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अगर है भी तो इतनी बर्निंग नीड क्या होगी, इतना कौन सा बर्निंग डिज़ायर हो गया कि अगर माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ी बच्चे ने तो फिर उसको जो है वो लॉ का एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बनेगा, वो आगे काम नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है ना यार, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई बिना भी आप बच्चे को लॉ का अच्छा स्टूडेंट बना सकते हो ना, क्यों हमने फालतू का सिलेबस खुद से ऐड ऑन किया है? दूसरी चीज, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आपको ये लोग हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। भैया मैकेनिकल के स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ के क्या मिलेगा? अगर मतलब क्या मतलब हिस्ट्री और एक मैकेनिकल का स्टूडेंट, माइक्रोबायोलॉजी लॉ के स्टूडेंट के लिए, अरे भाई आप जो सिलेबस है ना उसमें आप ज्यादा डेप्थ में पढ़ाओ, ज्यादा डीप पढ़ाओ भाई, चलते हैं। और वो अच्छी बात है, बंदे का फोकस होना चाहिए कि हाँ मेरी ये फील्ड है, मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ तो मैं इसी फील्ड में ज़्यादा डूब के पढ़ूंगा, इसको और डेप्थ में जाऊँगा। ज़्यादा डेप्थ में जाने में कोई बुराई नहीं है, पर अब फालतू में चीज़ों को डाइवर्स कर रहे हो। ये जो डाइवर्सिफिकेशन वाली चीज़ें हैं कि मेरे को सब कुछ पढ़ना है, यार ये स्कूल का सिस्टम था, स्कूल में चलो बच्चे को बेसिक नॉलेज दी जाती है हर चीज़ की, पर कॉलेज में जब आप आते हो आप एक फील्ड चूज करते हो, आप स्ट्रीम चूज करते हो, आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हो कि मेरे को ये करना है। तो अब किसी ने लॉ चूज किया, ठीक है ये मेरे को लॉ करना है, तो फिर भाई वो लॉ के लिए ही आए हैं, उसको माइक्रोबायोलॉजी में घंटा इंटरेस्ट नहीं है और कोई उससे पूछेगा भी नहीं फ्यूचर में। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है तो भाई उससे ना इंजन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है कंडक्टिविटी के बारे में पूछा जा सकता है, उससे यार आप यू नो गैसेज इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है कोई मैकेनिकल पार्ट के बारे में पूछ लेंगे, हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं पूछने वाला कि आप मेरे को ये बताओ द ग्रेट अलेक्जेंडर ने किस पे कब हमला किया था, ऐसी बातें ये चीज़ें कोई नहीं पूछने वाला। अब मेरे को पता नहीं अलेक्जेंडर वगैरह चीज़ें इनके हिस्ट्री के सिलेबस में है ही नहीं, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, पर हिस्ट्री तो इनको जो है पढ़ाई जाती है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ थी जो मेरे को नहीं अच्छी लगी और मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट लगा, ठीक है। और इसको इसको तो बड़ी आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है अगर फोकस किया जाए थोड़े से सिलेबस को चेंज करने के तरीके में, या एटलीस्ट थोड़ा सा पैटर्न चेंज करो, ठीक है। या फिर सबसे अच्छा तो क्या होगा, आलतू फालतू सब्जेक्ट्स पढ़ाने की जगह एक ही सब्जेक्ट में जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, जिसमें जिसके लिए उसने एडमिशन लिया उसमें ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाए।